Morning, everyone. So let's start with our today's lesson. Okay, as usual, before starting today's lesson, let's recap. So agar recap kare, so last lesson ke andar humne action potential generation dekha, kis tarike se jo neuronal cells hoti hai unke andar electric impulses generate hoti hai. Electric impulses ka matlab action potential generate hota hai. Agar aur bhi precise manner mein kahe तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होता है इनसाइड द एक्सोनल सेल्स और कहें कि एक्सोप्लाज्म के अंदर अलोंग द एक्सोलीमा यहाँ पे चार्ज का फ्लो होता है, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेशन और द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन. ठीक है, सो लास्ट लेसन के अंदर हम लोग ये चीज समझ चुके थे कि किस तरीके से जो एक्सोनल सेल्स होती है उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद अगेन आपकी जो सेल्स होती है वो डीपोलराइज्ड हो जाती है, यानी कि उनका रीपोलराइजेशन, पहले उनका पोलराइज स्टेट से डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन के बाद उनका रीपोलराइजेशन होता है. अगर उस पूरी प्रोसेस को समरी फॉर्म में कहें, सो दिस इज योर एक्सोनल सेल. अगर इसमें इसे मैं पूरा करूं, सो ये हमारा हो गया एक्सोनल सेल का सोमा बॉडी. ठीक है, एक रफ डायग्राम है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस. ठीक है, ये आपका सेल बॉडी हो गया एंड हियर इज द डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट न्यूरोनल सेल. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे पहले चीज यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ चैनल्स प्रेजेंट होती है. ये चैनल्स जो क्या करती है, इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले हमने कहा था हमारी स्किन के नीचे बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं स्टिमुलस को फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट. हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग, व्हाट हैपन के जैसे यहाँ पे कोई भी आपका स्टिमुलस आता है, हमने सबसे इनिशियल स्टेज पर लिया था कि जैसे कोई कॉकरोच आपके हाथ पे बैठ गया. ठीक है, तो उसके प्रेशर की वजह से आपके स्किन के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है उनकी मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाती है. एज अ रिजल्ट जो कि सेल के अंदर -70 mV का माहौल था, यानी कि नेगेटिविटी अंदर थी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था कि नेगेटिव चार्ज मतलब पॉजिटिविटी जो थी वो अंदर कम थी और पॉजिटिविटी बाहर ज्यादा थी, इसलिए हम -70 mV उसे कह देते हैं. तो जैसे मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल खुले, हमने देखा था कि यहां से आपके आयन का इन्फ्लक्स होने लगा और कौन सा आयन, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होने लगा. रीजन इज क्योंकि सोडियम आयन यहाँ पे जो ओपन होती है मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल वो आपकी एटीपी इंडिपेंडेंट चैनल है, यानी कि ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम नहीं करी है, यानी यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन होगा. चूंकि आप सभी जानते हैं पैसिव डिफ्यूजन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है इट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट जो सोडियम का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा वो आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट की तरफ होगा. जैसे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम के इन्फ्लक्स होते ही यहाँ पे वोल्टेज के अंदर चेंज आ जाता है और ये -70 से -60 mV हो जाती है. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे कि सोडियम इन्फ्लक्स होके इस रीजन के अंदर आ जाता है. नंबर क्वेश्चन इज के इस रीजन के अंदर यहाँ पे चेंजेस क्यों नहीं आते और यहाँ पे आपका वोल्टेज के अंदर आपको डिफरेंस देखने को क्यों नहीं मिलता, या कहें कि सेल बॉडी जो होती है वो स्टिमुलस को क्यों रिस्पॉन्स नहीं करती, यानी कि जो फ्लो ऑफ आयंस है वो आपका एक्सोनल बॉडी में आप स्टडी क्यों करते हो. रीजन इज के आपकी जो एक्सोनल बॉडी होती है उसी के पास यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम आयंस सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होती है. एंड सेकेंड थिंग इज के सोडियम के डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से जो आयन चैनल्स ओपन होगी वो इसी रीजन के अंदर ओपन होगी, इसीलिए ये जो रीजन होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोन का हिललॉक रीजन, इस एक्सोन हिललॉक रीजन से ही आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेशन स्टार्ट होता है या इनिशिएट होता है. ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले इनिशियल स्टेज के ऊपर जब सेल आपका रेस्टिंग स्टेज पे होता है तो यहाँ पे बहुत सारे आपके लीकी चैनल्स होते हैं जो ओपन रहते हैं, जो अगेन आपके चार्ज जो फ्लो हो रहा है चार्ज का अलोंग द एक्सोलीमा उसको कंटिन्यू रखते हैं. उसी के साथ यहाँ पे एक पंप होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटासियम पंप, जो कि एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है और एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम कर रहा है मतलब 3 सोडियम आयन को ये बाहर फेंकेगा, 2 पोटासियम आयन को अंदर फेंकता है.
लेकिन जैसे स्टिमुलस आता है ये सोडियम पोटासियम पंप आपका इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। सो हम यहाँ से चेंजेस लिखते हुए चलते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब आपकी सेल के अंदर इनिशिएशन होगा एक्शन पोटेंशियल का। तो फर्स्ट चीज इनएक्टिवेशन ऑफ द सोडियम पोटासियम पंप, ठीक है। सेकेंड थिंग इज पॉजिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, और ये पॉजिटिविटी इनिशियल स्टेज के ऊपर किसकी वजह से इंक्रीज हुई है, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स, बट ये ओपनिंग कौन सी होगी, स्पेसिफिकली द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ठीक है। ये चीजें आप देखते हो जब आपकी सेल किसी स्टिमुलस को रिसीव करती है तब। सेकेंड स्टेज में आप देखोगे स्टिमुलस को रिसीव किया सेल ने रिसीव किया, पहले सेल आपकी पोलराइज स्टेट पे थी, अब आपकी सेल जो वो डीपोलराइज स्टेट में आ गई। डीपोलराइज स्टेट का मतलब यहाँ पे पोलैरिटी रिमूव हो चुकी है, अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी है, ज्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है इन शॉर्ट टर्म कहें तो। ज्यादा पॉजिटिविटी का मतलब यहाँ पे सिंपल सा होता है कि सोडियम का इतना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इन्फ्लक्स हो जाता है कि सोडियम की जो नेगेटिविटी थी वो अब -60 से आपके +30 तक पहुंच चुकी होती है, और इसे ही हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। तो जब आपकी सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो जाता है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के टाइम पे सोडियम का इन्फ्लक्स हो चुका है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो चुका है इनर एनवायरमेंट के अंदर सोडियम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम का इन्फ्लक्स हो चुका है, बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम प्रेजेंट है, पोटाशियम जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है ये एक सिग्नल की तरह काम करता है फॉर द वोल्टेज गेटेड पोटाशियम आयन चैनल, और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम आयन चैनल ओपन होगी तो सोडियम का ई फ्लक्स होने लगेगा। ई फ्लक्स क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे डिफ्यूजन होने वाला है आयन्स का, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आपका आयन ट्रेवल करेगा। दैट्स वाई आपका, क्योंकि पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के एनवायरमेंट के अंदर, सेल यानी कि एक्सटर्नल सेल के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है, इवन 30 टाइम ज्यादा होता है। इसीलिए जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन होगी ये ट्रेवल करेगा फ्रॉम इनर एनवायरमेंट टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सो सोडियम का यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके बाद पोटाशियम का इफ्लक्स शुरू हो जाता है। सो सेल की जो पोलैरिटी है वो तो चेंज हो जाती है, पोलैरिटी चेंज हो गई +30 से आपकी सेल जो है वो वापस -70 पर भी आ गई, इवन समटाइम ये -90 भी हो जाता है, और इस -90 वाली स्टेज को हम लोग बोलते हैं हाइपर डीपोलराइजेशन। ओ सॉरी, हाइपर डीपोलराइजेशन नहीं, रीपोलराइजेशन स्टेट हम इसे कहेंगे, क्योंकि रीपोलराइज होने के बाद ही आपकी जो पोलैरिटी है वो वापस आ गई ना, नेगेटिविटी में आ गई, ठीक है। सो जब पोटाशियम का इफ्लक्स होने लगा तो वापस आपकी सेल रीपोलराइज हो चुकी है, बट नाउ द डिफरेंस इज कि पहले जब नॉर्मल सेल कंडीशन थी, रेस्टिंग सेल पर आपकी सेल थी, उस टाइम पे आप देखते हो कि सेल के इनर एनवायरमेंट के अंदर पोटाशियम अबंडेंट अमाउंट में था, सोडियम बाहर अबंडेंट अमाउंट में था, सॉरी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब कंडीशन रिवर्स हो चुकी है, रिवर्स इन द सेंस कि अभी सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है और पोटाशियम की कंसंट्रेशन बाहर एक्सेस अमाउंट में हो गई है। लेकिन अब क्योंकि सेल को वापस अपनी पोलराइज स्टेट में कन्वर्ट होना है, पोलराइज इन द सेंस कि उसे वापस से वही पोलैरिटी बनानी है, अगर ये पोलैरिटी मेंटेन नहीं होगी, वापस से आपका सोडियम और पोटाशियम अपनी अपनी जगह पर नहीं जाएगा तो सेल दूसरे सिग्नल को रिसीव नहीं कर, और क्योंकि एक्सटर्नल सेल्स जो होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम परफॉर्म करते हैं, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम स्लो इसीलिए काम करता है और नर्वस सिस्टम फास्ट इसीलिए काम करता है क्योंकि एक्सटर्नल सेल एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के बाद थोड़ी टाइम के बाद वो दोबारा से प्रिपेयर हो जाते हैं नेक्स्ट सिग्नल को रिसीव करने के लिए, यानी कि वेरी फास्ट प्रोसेस। तो इसके लिए जरूरी भी है कि न्यूरोनल सेल उस फास्ट प्रोसेस को रिसीव करने के लिए, मतलब सिग्नल को रिसीव करने के लिए, फास्टली बिहेव करने के लिए अपने आप को दोबारा तैयार भी करे।
तो उसके लिए यहाँ पे इस चीज को चेंज करना जरूरी है। और ये चीज कैसे चेंज होगी, आपके एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से। पंप जिसे हम लोग पोटेंशियोजेनिक कहते हैं, पोटेंशियोजेनिक यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा पंप जो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर रहा है इनसाइड द सेल। और यही सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, वापस से सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल है उसको मेंटेन करेगा अलोंग द एक्सोनल सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। और इसे हम लोग वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्सोनल सेल में हम लोग देखते हैं कि जैसे एक सेगमेंट आपका पोलराइज हो जाता है, सॉरी डीपोलराइज हो जाता है, तो इसमें से कुछ सोडियम आयन का डिफ्यूजन दूसरे सेगमेंट में भी हो जाता है। और जैसे ही दूसरे सेगमेंट के अंदर सोडियम आयन का डिफ्यूजन होता है, इसके पोलैरिटी भी -70 से -60 हो जाती है, जो अगेन वापस से आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल को ओपन करेगा। और उससे अगेन आपका क्या होगा, ये बिल्कुल पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, सेल डीपोलराइज्ड होगी। सेल जैसे ही सेल डीपोलराइज हुई, वापस से पोटेशियम आयन चैनल खुला और सेल रीपोलराइज हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, यानी कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, सॉरी वेव ऑफ रीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। यानी कि जैसे आपकी सेल यहाँ पे डीपोलराइज हुई थी, अब आपकी सेल क्या होगी, जो उसका लास्ट सेगमेंट है उसमें रीपोलराइजेशन होगा, उससे नेक्स्ट सेगमेंट में अगेन डीपोलराइजेशन होगा। व्हाट आई एम सेइंग इज यस, व्हाट आई एम सेइंग इज, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्सोनल सेल है, ठीक है। इस एक्सोनल सेल में हमने कहा ना कि जैसे इसके थोड़ा सा और हम लोग अगर ये एक्सोनल सेल है, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने देखा सिग्नल यहाँ पे आपका डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, और डेंड्राइट्स के प्रेजेंस के बाद आप देखोगे, मान लो हम इसे तीन सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, तो पहले सेगमेंट के अंदर पोलैरिटी क्या थी, अंदर नेगेटिव माहौल था, बाहर पॉजिटिव माहौल था, ठीक है। तो जैसे ही मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल की ओपनिंग की वजह से सोडियम आयन का यहाँ पे इनफ्लक्स होगा, वैसे इसकी पोलैरिटी -70 से -60 हो जाएगी। -60 मिलीवोल्ट होते ही यहाँ पे जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से वो ओपन हो जाएंगे और अंदर बहुत सारा सोडियम आ जाएगा। जैसे अंदर बहुत सारा सोडियम आया तो ये हमारी सेल हो गई रीपोलराइज। रीपोलराइज क्यों हो गई, क्योंकि अब इसके अंदर पॉजिटिव माहौल आ चुका है, और पॉजिटिव माहौल आने की वजह से इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। पहले ये पोलराइज स्टेट में था, ये वाला जो सेगमेंट है इसे हम कहेंगे पोलराइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सोडियम आयन का इनफ्लक्स हुआ, ये आपका डीपोलराइज्ड हो गया। डीपोलराइज का मतलब पोलैरिटी का रिमूवल हो गया है, और पोलैरिटी का रिमूवल इतना हो जाता है कि +30 तक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन। ये सारी बातें आप कवर कर चुके हैं, मैं बस इतना आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर जैसे डीपोलराइजेशन होता है, वापस से इसमें पोटेशियम आयन चैनल की ओपनिंग होती है और वो पोटेशियम को बाहर फेंकने लगती है। पोटेशियम आयन चैनल बाहर जाने लगता है, सेल आपकी रिपोलराइज होने लगती है। तो आप क्या देखते हो कि एक्सोनल सेल के अंदर जब ये सेल, ये सेगमेंट आपका डीपोलराइज हुआ, उसके तुरंत बाद कुछ मिली सेकेंड के अंदर ये वापस रिपोलराइज होने लगता है। तो अब बात ये आती है कि ये वेव कैसे ट्रेवल करेगी। वेव ऐसे ट्रेवल करेगी कि जब ये सेगमेंट आपका डीपोलराइजेशन से वापस रिपोलराइज हो रहा होता है, उस टाइम पे कुछ और सोडियम आयन आपके डिफ्यूज हो जाते हैं जो इस सेगमेंट में चले जाते हैं। अब जैसे इस सेगमेंट के अंदर कुछ सोडियम आयन आए, इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, -70 से -60 हो गई, और फिर वापस से वही प्रोसेस आपका रिपीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे वेव कहते हैं। वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आपकी वेव ट्रेवल करती है ना, उसे आप क्रस्ट रीजन में और टफ में डिवाइड करते हो, तो वैसे यहाँ पे एक वेव ट्रेवल करती है। वेव क्यों कहेंगे कि देखिए, अगर इस सेगमेंट में, ये सेगमेंट में आपकी पोलराइज थी, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ, और आप देखते हो कि ये डिपोलराइज स्टेट अब वापस रिपोलराइज होने लगी, और जब ये रिपोलराइज हो रही है तो नेक्स्ट वाले सेगमेंट को वो डिपोलराइज कर रही है। तो ऐसे आप देखोगे कि एक एक सेगमेंट करते करते पूरी एक्सोनल सेल जो होती है वो एक्साइट होती जाती है, और वो एक्साइटेशन वाली वेव फॉलो करी जाती है रिपोलराइजेशन वाली वेव से, ठीक है, क्लियर, ओके।
अब हम लोग मूव करते हैं ग्राफ की तरफ। इस प्रोसेस को ग्राफ से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे क्या चीज होती है। तो एक वोल्टेज टाइम ग्राफ जब परफॉर्म किया गया तो हमने देखा कि सबसे पहले रेस्टिंग फेज पर हमारी जो सेल है -70 पर रहती है, तो यहाँ पर हमारा आपकी सेल रेस्टिंग स्टेज पर है, कोई स्टिमुलस नहीं आया। जैसे ही सेल को स्टिमुलस आया, सेल का जो पोटेंशियल है वो एकदम से चेंज हो गया, -70 से +40 तक चला गया, ठीक है। और उसी के हम उसी को हमने बोल दिया एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन, ठीक है। जैसे ही सेल आपकी यहाँ से पोलैरिटी चेंज हुई, उस प्रोसेस को हमने बोला डीपोलराइजेशन, यानी कि पोलैरिटी का रिमूवल। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होते ही पोटेशियम आयन चैनल की ओपनिंग होती है। कौन सी पोटेशियम आयन चैनल? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के साथ यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, डीपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम पोटेशियम पंप जो था वो इनएक्टिव हो गया था, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेशन हो गया तो सोडियम पोटेशियम पंप वापस से एक्टिव हो गया, ताकि सेल की पोलैरिटी को दोबारा से रिकवर कर सके, ठीक है। तो रिपोलराइजेशन फिर से इनिशिएट हो जाता है। रिपोलराइजेशन जब होता है तो समटाइम उसकी पोलैरिटी, सेल की पोलैरिटी इतने नीचे तक चली जाती है, इसे हम कहते हैं -90, जिसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट। और हाइपर पोलराइजेशन के बाद अगेन आपकी सेल नॉर्मल स्टेज पर आ जाती है, रेस्टिंग स्टेट। और इस रेस्टिंग स्टेट पे आने के बाद फिर से आपका जो न्यूरोनल सेल है वो रेडी हो जाता है नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो टाइम पीरियड था, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड था उसमें सेल ने सिग्नल को रिसीव किया और वापस से सेल सिग्नल रिसीव करके उसको ट्रांसमिट कर दिया, और उसके बाद वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गई, ठीक है। तो एक स्टिमुलस से और दूसरे स्टिमुलस के बीच में ये जो पीरियड होता है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। बिकॉज ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के टाइम पे आपकी न्यूरोनल सेल दूसरे सिग्नल को रिसीव नहीं करी। जब तक सेल की पोलैरिटी -70 नहीं आ जाती पोटेंशियोजेनिक पंप की हेल्प से, लीकी चैनल्स की हेल्प से, नेगेटिव प्रोटीन्स की वजह से, तब तक आपकी सेल दोबारा रेडी नहीं होगी नेक्स्ट सिग्नल को रिसीव करने के लिए। इसलिए इस ग्राफ को समझना जरूरी है ताकि हम ये समझ पाए कि ये जो टाइम पीरियड है ना वन स्टिमुलस से लेके दूसरे स्टिमुलस तक, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड अगर याद भी ना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, री का मतलब दोबारा, ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है, मतलब दोबारा से प्रिपेयर करना। फ्रैक्टरी मतलब फैक्ट्री लगा लो, तो रिफ्रैक्टरी यानी कि फैक्ट्री आपकी रेडी हो रही है। कौन सी फैक्ट्री रेडी हो रही है? स्टिमुलस को रिसीव करने वाली फैक्ट्री, और वो कौन है? हमारी एक्सोनल सेल है। तो रिफ्रैक्टरी का मतलब होगा कि हमारी एक्सोनल सेल दोबारा से रेडी हो रही है सिग्नल को रिसीव करने के लिए। इसलिए जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्लियर? ओके। अब इस डायग्राम के अंदर और भी अच्छा डिटेल्ड मैनर में आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। देखो, ये जो मैं इतना आपको डिस्कस करके समझा रही हूँ उसका मेन पर्पस यही है कि आपके दिमाग में ये जो प्रोसेस होती है, समटाइम हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सोडियम आयन कहाँ गया, पोटाशियम आयन कहाँ गया, अंदर से बाहर आया, बाहर से अंदर गया। तो इसके बाद आई एम श्योर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भी कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है आपका, कौन सा आयन कब ट्रैवल करता है, कौन सी आयन चैनल कब ओपन होती है, क्यों एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एंड आई एम श्योर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा कि सिर्फ न्यूरोनल सेल के पास ही कैपेबिलिटी क्यों होती है कि वो एक्साइट हो सकती है, बिकॉज उनके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उनके पास बहुत सारी आयन चैनल्स होती है ना, बहुत सारी रीजंस यहाँ पे उनके एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि कौन कौन से फैक्टर उसके एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल, यू कैन सी दिस इज द हिलोक्रिज्म, दिस इज द इनिशिएटरी पॉइंट ऑफ द स्टिमुलस। यहाँ से स्टिमुलस की वजह से एक्सोनल सेल के अंदर एक्साइटेशन स्टार्ट होता है। इसलिए जो हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस ट्रैवल कर रही है, तो उसके डायरेक्शन क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और ये आपका माइलिनेटेड, एक माइलिनेटेड न्यूरोन है। इस माइलिनेटेड न्यूरोन के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से 1 point to one, next point to next one, आपका चार्ज जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है।
ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। यस, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के उसके सराउंडिंग में क्या कवरिंग, मतलब जो एक्सोन रीजन है उसके अराउंड कौन सी कवरिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे शीथ प्रेजेंट है तो ये माइलिनेटेड हो गया, यानी कि उसके अराउंड एक शीथ प्रेजेंट है। और ये शीथ कैसे बनी थी, स्क्वायन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये स्क्वायन सेल्स स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जो माइलिन पिगमेंट को सिंथेसाइज करती है, और इस माइलिन पिगमेंट के डिपोजिशन से माइलिन शीथ की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो न्यूरोनल सेल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, या अनमाइलिनेटेड आप बोल सकते हो। सो नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड वो होती है जिनके पास स्क्वायन सेल्स तो है बट माइलिन शीथ नहीं है, इसीलिए वो आपको ग्रे इन कलर भी दिखाई देती है। ठीक है, आप जब ब्रेन के न्यूरोनल सेल्स पढ़ोगे तो आप देखते हो कि जो रीजन माइलिन शीथ से कवर्ड होता है वो आपको व्हाइट अपियर होता है, और जो माइलिन शीथ से कवर्ड नहीं है वो आपको ग्रे इन कलर दिखता है। तो जहां भी आपकी बॉडी के अंदर सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी किसके, न्यूरॉन के सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, वो आपको ग्रे कलर का नजर आता है। जहां पे एक्सॉन रीजन प्रेजेंट होता है वो आपको व्हाइट कलर का नजर आता है। कंडीशन इज के वहां पे एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या, यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि जो अगर आपका न्यूरोनल सेल माइलिनेटेड है तो उसमें आपका सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा, और अगर नॉन माइलिनेटेड है तो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा। तो देखिए, जब आपका न्यूरोनल सेल माइलिनेटेड होता है तो उस टाइम आप देखते हो कि यहाँ पे बीच में, हर माइलिन शीथ के बीच में, यहाँ पे बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को हम कहते हैं नोड ऑफ रानवियर। नोड ऑफ रानवियर, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आई होप यू डोंट माइंड दैट। सो नोड ऑफ रानवियर जो होता है ये रीजन होता है जहां से आपकी आयन, यानी कि वोल्टेज गेटेड जो सोडियम आयन चैनल्स होती हैं, वो आयन का ट्रांसपोर्ट जो करती है, ट्रांसमिशन जो होता है, वो इस रीजन पर, नोड ऑफ रानवियर रीजन पर होगा। लेकिन नोड ऑफ रानवियर कहाँ प्रेजेंट है, ये सिर्फ आपके माइलिनेटेड न्यूरोनल सेल में प्रेजेंट होता है। ये वो रीजन है जहां से आयन का एक्सचेंज होता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, चाहे वो सोडियम गेटेड आयन चैनल हो, चाहे वो पोटेशियम गेटेड आयन चैनल हो। अब इसका फायदा क्या हुआ, माइलिन शीथ का फायदा क्या है, मतलब क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। रीजन इज बिकॉज, देखो इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि मैंने पहले बताया था, माइलिन शीथ जो होता है वो एक इंसुलेटिंग कोट की तरह काम करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक वायर के बाहर प्लास्टिक कोटिंग प्रेजेंट होती है, वैसे ही माइलिन शीथ होता है जो कि एक कोटिंग प्रोवाइड करता है। वैसे ही आपका माइलिन शीथ आपके एक्सटर्नल सेल को एक कोटिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसे इंसुलेटिंग कोटिंग की तरह काम कर रहा है। मतलब इंसुलेशन का काम क्या होता है कि भाई लीकेज ना होने दे। किसका लीकेज, इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज आयन की बात हो रही है, तो चार्ज आयन का लीकेज नहीं होने देना। तो माइलिन शीथ पहली चीज तो ये इंसुलेटिंग कोट की तरह काम करेगा, चार्ज आयन को लीक नहीं होने देगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है जिनके थ्रू सोडियम का इफ्लक्स इनफ्लक्स होना है और पोटेशियम का ई फ्लक्स होना है, ये देखो अगर आपकी सेल जो है वो अनमाइलिनेटेड होगी तो यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, यानी कि बहुत सारी सोडियम चैनल सेल्स को बनानी पड़ेंगी, है ना, बहुत सारा एक्सचेंज यहाँ पे आयन्स का होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे माइलिन शीथ लगा दी तो हमारे पास लिमिटेड रीजन है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद हमारा यही इन्हीं इन्हीं रीजन के ऊपर आयन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्रोसेस हमारी फास्ट हो जाती है, फास्ट प्रोसेस हो जाती है। कि अगर आपके पास माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो प्रोसेस आपकी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आपका आयन का एक्सचेंज होने वाला है, यानी कि आयन का जो पैसेज होने वाला है सोडियम और पोटेशियम चैनल के थ्रू, वो सिर्फ इन स्पेसिफिक रीजन पर होगा, जिससे क्या होगा कि चार्ज सिर्फ यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है, इफेक्टिव मैनर में हो जाती है, लीकेज ऑफ आयन यहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं माइलिन शीथ के। ठीक है, इसीलिए माइलिन शीथ जो है वो इम्पोर्टेंट होता है एक न्यूरोनल सेल के लिए।
और जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है वो रीजन आपको व्हाइट इन कलर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखते हो कि हम ब्रेन के अंदर हमारे दो हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट है, वो भी इसी ही बेस पे प्रेजेंट होता है। वो मैं ब्रेन जब आपको समझाऊंगी तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन, अच्छा ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि रिपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है और डिपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है। डिपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम का इनफ्लक्स होगा। इनफ्लक्स क्यों होता है? क्योंकि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा थी अंदर कम थी, और क्योंकि आयन चैनल जो ओपन हो रही है वो एटीपी इनडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे सोडियम का इनफ्लक्स होगा। बट रिपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है? पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बंद हो चुकी होती हैं। जब सेल का एक्शन पोटेंशियल पीक पर होता है उस टाइम पे पोटेशियम आयन चैनल ओपन होती है, लेकिन वोल्टेज गेटेड आयन चैनल सोडियम आयन चैनल बंद हो चुकी होती है, वहां से कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिपोलराइजेशन के टाइम पे पोटेशियम चैनल ओपन रहेगी, डिपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम चैनल ओपन रहेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आई एम श्योर ये इमेज भी, ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया है। अब इसमें एक एक पॉइंट अच्छे से बताया हुआ है। देखो रेस्टिंग स्टेज पे था, स्ट्यूमुलस आया, थ्रेशोल्ड उसने क्रॉस करी। अच्छा ये थ्रेशोल्ड के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, कहीं पे -55 होता है, कहीं पे -60 होता है, बट वो आपको इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। द थिंग इज के -10 का -15 तक का यहाँ पर डिफरेंस होता है, जिसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। इसके बाद आपकी चैनल्स ओपन होगी, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के बाद अगेन रिपोलराइजेशन हो गया, और रिपोलराइजेशन के टाइम पे देखो पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, और यहाँ पे जब डिपोलराइजेशन हो रहा था सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और रिपोलराइजेशन के टाइम पे मेन कंपोनेंट क्या काम कर रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप। और ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा था? ये सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयन को बाहर फेंक रहा था और 2 सोडियम पोटेशियम आयन को अंदर ले रहा था, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन क्लियर, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन क्लियर, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्लियर हो गया, और माइलिन शीथ का पर्पस क्या है, उसकी वजह से किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक आयन है वो ट्रांसफर होते हैं, नोड ऑफ रैनवियर क्या है, आई एम श्योर ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। ओके तो इसके बाद हमारा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है, वो मैं आपको डिटेल मैनर में कल समझाऊंगी, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सो आई एम श्योर अभी तक का जितना भी पोर्शन है आपको क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू सो मच। इसके बाद का लेसन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर।